मैं सिराज शाब्दी, प्रेसिडेंट शाब्दी सोसाइटी फ्रॉम मोमिनपुरा। वीडियो पे आने का मकसद गुलबर्गा और देश के आवाम को एक इतला देना चाहता हूँ। हाल ही में जो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज पास हुए बिल की शक्ल में, जिन्हें हम कहते हैं एंटी बिल्स। एंटी बिल इसलिए क्योंकि ये बिल्स सिर्फ और सिर्फ किसान और आम इंसान के नुकसान के लिए बिल बनी है और कॉरपोरेट कंपनीज के फायदों के लिए ये बिल बनी है। लिहाजा इसको नजर में रखते हुए हिंदुस्तान के हर कोने में इसका प्रोटेस्ट और आंदोलन हो रहा है कि ये बिल को कैंसिल करना है। पूरे हिंदुस्तानियों को पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एक फेलियर गवर्नमेंट है और उसके साथ फेलियर गवर्नमेंट के वो बहुत से एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, जैसे कि नोटबंदी के टाइम पे दे दिए हैं और ट्रिपल तलाक का एक है और उसके बाद CA NRC का है। देखिए, आवाम खासतौर पर माइनॉरिटीज को ये करना जरूरी है कि जब भी माइनॉरिटीज खासतौर पर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी बिल आते हैं, जो पास होते हैं, उसके मुखालिफत में जो गैर मुस्लिम्स है वो लोग भी स्टैंड लेते हैं और वो लोग सपोर्ट करते हैं। आज वक्त आया, किसान परेशान है और उनके लिए आवाज उठाने वाले हम लोगों को, माइनॉरिटीज को उठना बहुत जरूरी है। आज उनके हक में बात करना, उनके हक में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज अगर हम एकता का प्रूफ अगर नहीं देंगे तो आने वाले फ्यूचर में यही लोग बीजेपी हुकूमत वाले हम लोगों का गलत फायदा उठाएंगे, गलत बातें बताएंगे कि माइनॉरिटीज किसान आंदोलन के टाइम पे सपोर्ट नहीं किए होंगे। तो इसको दिमाग में रखते हुए जरूरी हो गया कि हम लोगों को एक आंदोलन, देश बचाओ मुल्क बचाओ आंदोलन रैली निकालना बहुत जरूरी हो गया है, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं कल 2:30 PM। मैं तमाम लोगों से, सोशल एक्टिविटीज से और स्टूडेंट से और हर वो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल जो जुड़े हैं पॉलिटिक्स से, जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, जो आवाम का सोचता है, आम इंसान का सोचता है, गरीब का सोचता है, वैसे लोगों से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई कल जो हम जो रैली निकाल रहे हैं देश बचाओ मुल्क बचाओ ऑल इंडिया किसान सभा के जानिब से, उनके साथ जुड़ के ये रैली निकालेंगे। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 2:30 PM जमा होए, जो वहाँ से हम 2:30 से बहमनी से सुपर मार्केट से जगत सर्कल पे, वहाँ पे हमारा एंड होगा रैली का। यह वक्त आ गया है हमारे को एकता दिखाने का और भाईचारा दिखाने का। मैं गुजारिश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग 2:30 PM आएंगे और इंशाल्लाह इस जुलूस को हम पीसफुल और एक अच्छे तरीके से इसको कामयाब करेंगे। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 888-444-1408। तो जिसकी मीटिंग हम शाम में करकर कल सुबह उसको एग्जीक्यूट करना है। खासतौर पर मैं स्टूडेंट से भी गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आज वक्त है हमारे एकजुट होने का।